Hello everyone, this is Manas Ranjan Gowda. I am a computer teacher in Odisha Adarsh Vidyalaya, Pakri Hill, Sergod, Ganjam. Today I am here to teach you class 7th ICT chapter 4, which is your Microsoft Excel. So, Microsoft Excel kya hai? Aur is chapter ke andar hum Microsoft Excel ka kaun-kaun sa features ke baare mein padhenge, uske baare mein hum thoda overlook kar lenge, then chapter ke andar jayenge. तो ये जो चैप्टर है ऑलरेडी हमने सिक्स क्लास में पढ़ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कुछ फंडामेंटल नॉलेज वहाँ पे हम पढ़े थे. यहाँ पे हम सेवेंथ क्लास में कुछ और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फीचर्स देखेंगे. ओके सो जैसे आप लोगों को पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है. दैट मीन्स यहाँ पर हम जो भी डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे स्टोर करेंगे वो टेबल फॉर्मेट में रो एंड कॉलम में उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा. उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा हम स्टोर कर पाएंगे. उसमें मैनिपुलेशन डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशन ओके एनालाइजिंग ये सभी काम हम डाटा के ऊपर कर पाएंगे. ओके जैसे कि सिक्स क्लास में हम उसके बारे में डिटेल्स में पढ़े थे तो इस चैप्टर में हम सेवन्थ क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे उसको थोड़ा डिटेल्स में डिस्कशन कर लेंगे. सो आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर इंटू थ्री पार्ट्स. तो तीन वीडियो में मैं इसको कवर किया हूँ. फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है उसको हम क्यों यूज़ करेंगे उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे. देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे स्टार्ट करेंगे उसको थ्योरेटिकल स्टेप वाइज ऑल्सो प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे. देन व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. देन हाउ टू क्रिएट ए न्यू वर्कबुक. वर्कबुक मतलब जो एक्सेल का फाइल होता है उसको वर्कबुक बोलते हैं. तो एक न्यू फाइल कैसे क्रिएट किया जाता है एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो. एक्सेल विंडो में क्या क्या कंपोनेंट्स है क्या क्या पार्ट्स है उसके बारे में हम पार्ट वन वीडियो के अंदर देखेंगे. देन पार्ट टू वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे वर्कशीट इंसर्ट किया जाता है वर्कशीट को कैसे रीनेम किया जाता है डिलीट कैसे किया जाता है उसका कॉपी कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे पार्ट टू वीडियो के अंदर. ओके वी नो दैट देर इज थ्री वर्कशीट्स आर अवेलेबल इन ए वर्कबुक. बाय डिफॉल्ट एक वर्कबुक में तीन वर्कशीट्स होता है एक एक्सेल फाइल में तीन वर्कशीट होता है. तो उससे ज़्यादा अगर वर्कशीट हम इंसर्ट करना चाहते हैं या कोई वर्कशीट को डिलीट करना चाहते हैं उसका नेम चेंज करना चाहते हैं कोई वर्कशीट का एक दूसरा कॉपी बनाना चाहते हैं वो हम कैसे करेंगे वो ये वीडियो के अंदर देखेंगे. और हम देखेंगे एक्सेल के अंदर कैसे डाटा इनपुट करेंगे कैसे एक्सेल में डाटा टाइप किया जा पाएगा रो एंड कॉलम में एंड फॉर्मूला कैसे यूज़ किया जाता है सेल के अंदर वो ये पार्ट टू वीडियो के अंदर हम देखेंगे. देन पार्ट थ्री वीडियो के अंदर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग्स. नंबर फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर हम देखेंगे डेट टाइम कैसे फॉर्मेटिंग होता है डेट मंथ ईयर इसको कैसे फॉर्मेट में रखा जाता है टाइम फॉर्मेटिंग कैसे होता है. ओके देन परसेंटेज फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है वो सारे ये नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर हम देखेंगे. परसेंटेज करेंसी वो सब इसमें आता है. देन सेकंड देखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन. टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता है जैसे कि हमने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन या फिर टेक्स्ट साइज बढ़ाना या कमाना या फिर कलर कैसे करना सेल को टेक्स्ट को कैसे कलर करना ये टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर पढ़ेंगे. देन देखेंगे एक सेल के अंदर पिक्चर कैसे इंसर्ट किया जाता है. देन हम देखेंगे चार्ट कैसे क्रिएट किया जाता है ग्राफ जैसे मैथमेटिक्स में हम क्रिएट करते हैं उसी तरह एक्सेल में कैसे चार्ट और ग्राफ क्रिएट किया जाता है वो हम देखेंगे ये वीडियो के अंदर. ओके okay?